नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज हम पेपर लेकर के उपस्थित हैं। आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है, TGT बायोलॉजी 2016 का एग्ज़ाम जो हुआ है, TGT बायोलॉजी 2016, ठीक है, आज की डेट में जो पेपर हुआ है, उस वही पेपर लेकर के उपस्थित है और इसके हम आंसर बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि जो आंसर हमसे अभी पूरा का पूरा जो क्लियर रहेगा, उसी आंसर पर हम बात करेंगे, समझ रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको मेरे दोस्त, कि जो आज बताया जाए आंसर, उस पर आप 100% आप तब तक उसको आप मुहर ना मारिए, 99% लगा दीजिए जब तक कि ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होती, क्योंकि यह यूपी का चयन बोर्ड है, समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ कुछ भी संभव है। तो देखिए, कह रहा है पहले प्रश्न में कि विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है, कह इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, कह रहा है कि क्या है, वांछित गुणों का जनन है, संशोधन युक्त संतानें हैं, अस्तित्व की लड़ाई है, अपने जैसी संतान उत्पत्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हमारे हिसाब से, तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। देखिए, इसमें जो भी आंसर हम बात कर रहे हैं कि ये इसमें किसी का नहीं, पर्टिकुलर मेरा ये सिद्धांत है, मेरा मानना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर दो। अब यहां दो नंबर में कह रहा है कि खाद्य जाल में लकड़ बग्घा तथा गिद्ध क्या होते हैं, खाद्य जाल में लकड़ बग्घा और गिद्ध क्या होते हैं, कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, प्रीडेटर, स्केंजर और डिकम्पोजर। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, आप मार्जक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो कह रहा है समीकरण लैक्टेट एलानिन ग्लिसराल, इससे बनता है क्या ग्लूकोज, कह रहा निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, यह आंसर मुझे क्लियर नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए इस पर हम गोला कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर चार, देखिए क्वेश्चन नंबर चार में यहां पर कह रहा है कि एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निमोचन होता है, द फर्स्ट एंड फाइनल माउल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस ऑकर्स इन द लंग्स, लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है इंटेस्टाइन, इसका डी इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच की अगर हम बात करें तो पांच नंबर क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं, सामाजिक जीवन के लिए कह रहा है भाई, सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं, अर्लियर एविडेंस, ठीक है, सोशल लाइफ आर कह रहा एट्रीब्यूटेड है, क्रोमैग्नन मानव की, नियंडरथल की, पेकिंग की, जावा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है नियंडरथल मानव, कौन सा, नियंडरथल मानव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से अवशेषी अंग कौन नहीं है, देखिए विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ तो है, उंडुक पुच्छ है, दुमची और अस्थियां, इसका राइट आंसर क्या है, डी बोन्स, ठीक है, बोन्स इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा कि इसमें ऐसा नहीं समझिएगा कि सर ये इसका उत्तर आप गलत बता दिए, क्योंकि इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना उत्तर कुछ लगाया होगा और यहां देखेंगे कुछ आपको सस्पेंशन है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन आप गलत कर दिए, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप भविष्य गड़बड़ आप करिए, ठीक है। मैं यहां पर अपने अनुसार जो आंसर आपका सही है, मैं उसको 99% उसको करेक्टली ही बता रहा हूं, जो क्लियर नहीं रहेगा उसको मैं छोड़ दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो देख लीजिए और तब तक आप इंतजार करिए जब तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होती, किसी पर यकीन करना मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है, किसमें आहार नलिका नहीं होती, कह रहा है फैसियोला, स्केरिस, इंसाइलोस्टोमा, टीनिया। इसका राइट आंसर है टीनिया, टीनिया में नहीं होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, टीनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, कैम पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं, पीईपी, पायरूवी कमल, मैलिकम, सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैलिक एसिड, ठीक है, क्या होगा, मैलिक एसिड इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आज कोई कमेंट नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, केवल 125 क्वेश्चन तक इसके आंसर तक पहुंचना है। कह रहा है कि अर्धगुण सूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या होना चाहिए भाई, सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप भी अभी अपना उत्तर भी बता के रखिए, समझ रहे हैं, हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए, कह रहा है दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात कितना होता है, ठीक है, लोम सॉइल, ठीक है, इसमें कितना होता है मृदा कण का अनुपात, तो देखिए इसका मृदा कण का अनुपात जाहिर सी बात है कि कितना होता है, इसमें जो है लगभग 40% सैंड होती है और 60% वो होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं 40-40%, ठीक है, सॉइल में।
तो इसका राइट लगभग कितना आ रहा है 50-50, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, 50-50% 50% में रेत, 50% में क्या क्या होता है, 50% में क्ले अथवा स्लेट अथवा दोनों, ये दोनों समझ रहे हैं 50% में ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का, तो कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है, किसको कहा जाता है उड़ने वाली मछली, तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, क्या है, इक्जोसिटस, क्या है, इक्जोसिटस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु अवनतशील रूपांतरण दिखाता है। ठीक है, कह रहा है कि विच एनिमल एग्जिबिट रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था मेरे भाई, उसको इसका राइट आंसर क्या है, हार्डमानिया इसका सही उत्तर है, हार्डमानिया इसका बी सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेंढक के यहाँ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स एंड फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेरिविक गर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है हिंज की पावोट की सैडल की बॉल एंड सॉकेट, तो इसका क्या होगा, हमारे हिसाब से तो इसका क्या होना चाहिए भाई, अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसको आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो बॉल एंड सॉकेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन, इसको फटाफट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रक्त लाल होता है, किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रक्त लाल होता है, ऐसा कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए फटाक से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, सी इज द राइट आंसर, अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का कह रहा है कि जीनोफोर नाम है, जीनोफोर क्या है, तो ये प्रोकैरियोटिक का जो है डीएनए होता है, तो यहां प्रोकैरियोटिक से संबंधित कौन है, कह रहा है यूकैरियोट तो नहीं, कह रहा प्रोकैरियोट के डीएनए सॉरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर बी, बी इसका सही उत्तर है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में कह रहा है कि यहाँ मार्केंसिया के इलेक्टर होते हैं, मार्केंसिया के इलेक्टर कैसे होते हैं। ठीक है, कि कह रहा है कि हैप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉयड नॉन हाइग्रो, नॉन हाइग्रो तो होते ही नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब हैप्लॉयड डिप्लॉयड में यहाँ बात आई है, तो इसका कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, बी इसका सही उत्तर है, 16 का बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहां से लिया गया था। ठीक है, कहां से लिया गया था, अब ये कह रहा है कहां से, ए वायलेस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ए वायलेस, रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसको भी देखिए फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, मेंढक में विदलन होता है, कैसा होता है मेंढक में विदलन, क्लीवेज है इन फ्रॉग, कैसा होता है भाई मेंढक में विदलन कैसा होता है, ये बिल्कुल बता रहा है, तो इसका राइट आंसर है बी, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल इसका सही उत्तर है, ये एकदम क्लियर है 100%। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है यहां पर कि पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहते हैं। अब यहां पर कैपिलरी वाटर नहीं दिया है, केशिका जल तो दिया ही नहीं है, समझ रहे, अब केशिका जल के स्थान पर एंडी वैंडी जल दे दिया है, यहां कुछ दूसरा ही जल दे दिया है केशिका के स्थान पर, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल क्रिसार्ड, कह रहा है कि होलार्ड इसार्ड फुलार्ड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है क्रिसार्ड, क्या हो जाएगा क्रिसार्ड, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल श्योर। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था। ठीक है, हु डिस्क्राइब्ड द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या है, केसी मेहता, केसी मेहता बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 21 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए, 21 नंबर में यहां कह रहा है कि प्लैकिया अवस्था किसके जीवन चक्र में मिलती है, प्लैकिया अवस्था, कह रहा है कि क्लेमाइडो मोनास है कि वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, तो प्लैकिया स्टेज होती है वॉलवॉक्स में, किसमें होती है वॉलवॉक्स में। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए कह रहा है कि राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर किसमें पाया जाता है, राइजोफोर तो ये कह रहा है मार्सिलिया एपिसीटम लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, इसका राइट आंसर है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में होता है, कौन सा राइजोफोर पाया जाता है। ठीक है, सिलेजिनेला में राइजोफोर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़े तो 23 नंबर क्या कह रहा है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि केवल ऑक्सीजीवो में होता है,
सभी जीवों में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ग्लूकोज का आंशिक आक्सीकरण, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, केवल आक्सी जीवों में होता है, ये बात गड़बड़ है, क्योंकि आक्सी अनाक्सी दोनों में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। इसका सही उत्तर क्या है भाई, ए इसका सही उत्तर है, ठीक है, ये गलत बात है, समझ रहे हैं, नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है इसको देखिए, पटाख से 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पैलीमोन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं, इन पैलीमोन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद विच अपेंडेजेस, कह रहा है एंटीन्यूल, कैंटिना, मैंडिबल, मैक्सिला, तो ये कहा होता है, इसका राइट आंसर एंटीन्यूल, क्या होता है भाई, इसका राइट आंसर है एंटीन्यूल्स, ए इसका सही उत्तर है, कौन है, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर देखिए कह रहा है यहां पर कि न्यूक्लियोसोम बना होता है, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, आरएनए हिस्टोन की, आरएनए हिस्टोन नॉन और नॉन हिस्टोन, तो डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन, तो इसके हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, क्या, डीएनए और हिस्टोन, ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन, ये हमारे हिसाब से सही है, आप भी देख लीजिएगा इसको एक बार, चेक कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में, 26 की बात करें तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिस्कंदर मिश्रित मानव रक्त को यदि अपकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा, इन ह्यूमन ब्लड मिक्स विथ एन एंटीकोगुलेंट सेंट्रीफ्यूज्ड विथ ऑफ द फॉलोइंग विच सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, कह रहा है इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इसका राइट आंसर है इरिथ्रोसाइट, क्योंकि यही आरबीसी होता है, क्या होता है, आरबीसी रक्ताणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 27 नंबर कह रहा है कि बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के समकक्ष है, किसके आज के समकक्ष है, किसके समकक्ष है, कह रहा है क्लास के कि ऑर्डर के, फैमिली के, कि इनमें से कोई नहीं, तो किसके समकक्ष है, ऑर्डर के समकक्ष है मेरे भाई, किसके, ऑर्डर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ डैश 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 क्या होगा, कह रहा है मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य को संवेदिष्ट कर आंतरकोश की लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना होता है। देखिए कोशिका का श्रावी अंग किसे कहते हैं, गॉल्जी ऑपरेटस है, गॉल्जी काय है, तो ये हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है गॉल्जी ऑपरेटस, ठीक है। यही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहलाता है कि अपने जान पहचान करके क्या करता है, रसायनों को आने जाने देता है, एंजाइमों को भी आने जाने की परमिशन देता है। कह रहा कि हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है सिग्मोइड, क्या है, सिग्मोइड इसका सही उत्तर है, अवग्रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है कि यूनियों में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं, देखिए टीनिडियम ऑफ यूनियो आर विच टाइप ऑफ, किस प्रकार का होता है यूनियो में जो टीनिडियम होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, एकदम करेक्ट, यू लैमिली ब्रांक, ठीक है, यू लैमिली ब्रांक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोथेलियम इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इंडोथेलियम, ठीक है, कह रहा है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओयूल, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, कि माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्पोर, तो इसका राइट आंसर क्या है, इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओयूल, बीजांड के आंतरिक आवरण से इसका संबंध है, इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओयूल इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि टीएच मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर कह रहा है ड्रासोफिला, न्यूस्पोरा, पाइसम, ओइनोथेरा, तो इसका राइट आंसर है ड्रासोफिला, क्या है, ड्रासोफिला इज द राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पुरकिंजे तंतु किसमें उपस्थित होते हैं, पुरकिंजे फुफ्फुस में, मस्तिष्क में, हृदय में, कि यकृत में, तो पुरकिंजे तंतु कहां होते हैं, ये होते हैं हार्ट में, कहां होते हैं मेरे भाई, पुरकिंजे तंतु होता है हार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 34 नंबर का, इसको देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर की अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये क्या कह रहा है, 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि बॉट्राइडल ऊतक निम्न में से किस तंतु का एक विशिष्ट लक्षण है, बॉट्राइडल टिश्यू अगर बात आ गया तो हिरुडेनेरियक नहीं भूलिएगा, कह रहा है कि फेरेटिमा हिरुडेनेरिया एफ्रोडाइट, तो बॉट्राइडल टिश्यू किसमें होता है, हिरुडेनेरिया में होता है, ठीक है, जोक में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर का इसको देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, अब यहां कह रहा है कि ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहां से वापस आती है, ऑरेलिया में
कह रहा इन अरेलिया द एक साइलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रो, कहां से आती है, ठीक है। इसको आपने देखा था, पूरा पढ़ा था, मैंने इसको बताया भी है कि अपने लेक्चर में, या आप जाकर के अगर देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पर रेडियाई एंड एड रेडियाई, पर रेडियाई एंड एड रेडियाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्या कह रहा है, 36 नंबर का क्वेश्चन इसको देखिए जरा, 36 नंबर। अब यहां कह रहा है 36 में कि प्राणघाती जीनस मुख्यतः अप्रभावी होती है, इसलिए वह किस अवस्था में, कह रहा है अर्धयुग्मी की विषम युग्मी सम युग्मी, किस अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हेटरोजाइगस, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या है, सही इसका उत्तर क्या है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसपे स्टार लगा रहा हूं इसमें जो चांस है 90% का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ अगर बढ़े, 37 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको देखिए 37 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है। अपराइट देखिए ऐसे नाम लिखा है, सीधा नहीं कह रहा कि सीधा पिरामिड किसमें होता है, तो सदैव जो सीधा होता है जो पिरामिड किसमें होता है, किसका पिरामिड, जय भार का कि संख्या का ऊर्जा का, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 इसको देखिए, कह रहा है कि तारा मछली के पेडिसिलरी का मुख्य कार्य क्या है। आ गया भाई ये पहुंचाने वाला, बिल्कुल यही मैटर, यही सब ऐसे मैटर होते हैं जो पहुंचा दिए जाते हैं, कोर्ट में विवादित प्रश्न आ गया, ये हमारे हिसाब से मैं इस प्रश्न के लिए चैलेंज करता हूं कि ये विवादित हो गया है, समझ रहे, विवादित ऐसे हो गया है कि इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो क्लीनिंग भी मिल रहा है और एक मिल रहा है कैप्चरिंग, इसके दोनों इसके सही ऑप्शन है, ठीक है, क्लीनिंग भी है और कैप्चरिंग भी है, ठीक है। तो ये जाएगा, अब देखना है इस पे किसको उत्तर सही मानता है आयोग, किसको सही मानता है, ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए 39 नंबर में, देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है शुक्राणु की पूंछ, अभी तक पूछ रहा था मुहुआ, मतलब हेड किसका बना होता है शुक्राणु का, पूछ लिया इसकी पूंछ किसकी होती, पूछ रहा है कि पूछ किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट स्पिंडल कि सेंट्रियोल, तो किसका बना होता है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, क्या है, सेंट्रियोल्स। अब यहां आप देखिएगा अंदर से घुस करके जा पूछ लिया है, घुस करके, ना कि माइक्रोफिलामेंट ना माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल ट्यूब्यूल दे करके आपको झका दिया, नोबल बाउंसर मार दिया, समझ रहे हैं। अभी देखिए इस पर भी मैटर एक बार गंभीरता से इसको आप लोग चेक करिएगा, इसका राइट आंसर क्या डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि फटाफट के अंदाज में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरण प्रदूषक है, कह रहा है डिग्रेडेबल कौन है, मतलब जो कौन सा जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, मरकरी कभी नष्ट होगा नहीं, सूक्ष्म मात्रिक धातुएं, धातुएं कभी नष्ट होंगी सूक्ष्म, नो, स्टील नष्ट होगा, नो, घरेलू मलजल ये होगा, डोमेस्टिक सीवेज ये नष्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है डी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए, 41 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इसको अपने ऊपर भी आप कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा नहीं कि बाद में मत कहिएगा कि सर उत्तर तो आप गलत बता रहे हैं, यहां आयोग तो सही को भी गलत कर देता है, हमारे हिसाब से क्या सही है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं। तो आप भी अपने से माइंड लगाइए, कभी कभी दूसरों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होइए, आप भी हैं टीचर, समझ रहे हैं, बनने जा रहे हैं, एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं, तो आपके पास भी कुछ खोपड़ी है, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर, कह रहा है कशाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, किसमें अभाव होता है, कह रहा मोटाइल सेल्स का, समझ रहे हैं, मोटाइल सेल्स विद फ्लैजेला, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा एस साइनोफाइसी, मेरे हिसाब से साइनोफाइसी इसका राइट आंसर है, समझ रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्विसीटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है, क्या होता है, कह रहा है एयर चैम्बर की वेलिकुलर कैनाल सेंट्रल कैविटी क्रैनियल कैनाल, इसका राइट आंसर है क्रैनियल क्रैनियल कैनाल, ठीक है, इसका डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर में देखते हैं, 43 नंबर देखिए, 43 कह रहा है निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है, फिनोलिक हार्मोन, एड्रेनिल टेस्टोस्टेरोन, ए नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, या कुछ लोग कहेंगे गुरुजी नहीं आ रहा है, कहा हां नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 43 नंबर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको झूठा झाठा नहीं बता सकता कि झूठ फूट का बता दूं, मोड़ तोड़ के बता दूं, समझ रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा, जब तक उत्तर आंसर की नहीं आती तब तक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44
44 की बात करें, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है कि नाउप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है, कौन सा इसमें से सत्य है। ऐसा कह रहा है कि बोथ एंटीन्यूल्स एंड एंटीनी आर बाइमेरस, ओनली एंटीन्यूल्स आर बाइमेरस, ये सब नहीं होंगे दोनों। अब दो में बात आती है कि इसका राइट आंसर क्या होगा इन दोनों में से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल्स आर बाइमेरस, ठीक है, एंटीनी और मैंडिबल्स दोनों कैसे होते हैं, बाइमेरस होते हैं। 44 नंबर का डी सही उत्तर है, ठीक है, ये सेट नंबर सी है भाई, मैं सेट नंबर सी लेकर के चल रहा हूं। अब 45 की तरफ बढ़ते हैं कि 45 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा लार स्नेहा की तरह कार्य करती है, जी बिल्कुल सही है, स्नेहा की तरह कार्य, तभी लुक दुक बनाएगा ना, ले हुई बनाएगा तभी जाएगा, नहीं पंजीरी खा के आप बोले हैं कि कहिए बबुआ पंजीरी खा के बोलो फूफा, तो पंजीरी खा के फूफा बोलेंगे तो पूरा निकल फिकल जाता है, समझ रहे हैं, तो अभी नहीं बोल पाओगे। ये क्या करता लार पूरा, अब पंजीरी खा लोगे तो कितना लार उसको लुगदी बनाएगा, तो ज्यादा श्रावित करना पड़ता है, समझ रहे हैं, इसलिए कभी कभी जाम हो जाता है, तो ये स्नेहा का काम करता है। कह रहा कि लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता, तभी कुछ रोटी उटी चबाते मीठा आता है, यू भी सही है, दोनों के लिए लार का पीएच लगभग 3.4 नहीं लगभग 6.8 के करीब होता है, ये बात गलत है। कह रहा है लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन नहीं, नहीं ये भी, तो इसका पहला दूसरा सही है, तो क्या कह रहा है कथन में से, पहला दूसरा ये डी, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर की तरफ बढ़े, 46 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाइला किस प्रकार के जीवन चक्र के अनुकूलित होता है, पाइला इज अडैप्टेड टू लीड किस लाइफ के लिए, एरियल और एक्वेटिक एम्फीबियस बेंथिक, तो कहाँ होता है भाई, जल में भी होता है और स्थल में भी होता है, स्थल में होता है तो घुस जाएगा उसके अंदर, तो इसका राइट आंसर एम्फीबियस, कैसा एम्फीबियस, इसका राइट आंसर उभयचर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोस्पेस में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कई लोग यहाँ पर गौर कर रहे हैं, अभी मेरे पास भी आया था कि इस पर जिलस नाइजर, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से आपको बता दी इसका राइट आंसर क्या है, सैक्योरोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्योरोमाइसिस सेरिवेसी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अब यहां 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे, एंजियोस्पर्म कह रहा है कि कहां कब विकसित हुए थे एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म कब विकसित हुए हैं, अब यहां पर आपको देख लेना है कि एंजियोस्पर्म कब विकसित हुए हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मीसोजोइक ईरा में, कब विकसित हुए थे एंजियोस्पर्म, मीसोजोइक ईरा में, ठीक है, इसका बी राइट आंसर है, 48 का बी इसका सही उत्तर है। अगला 49 नंबर क्या कह रहा है, 49 नंबर की अगर हम बात करें तो 49 नंबर क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए, 49 नंबर, ठीक है, देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका गुच्छी निस्यंदन का लगभग 38% पुनः अवशोषित होता है, ठीक है, कह रहा कि अबाउट 80% द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब इन द, किसके द्वारा रीअब्जॉर्ब होता है, ऐसा कह रहा है 49 नंबर, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 49 का, APCT, किसके द्वारा, PCT के द्वारा, ठीक है, PCT इसका राइट आंसर है। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर में देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है, कह रहा है कि कौन सा अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है, ऐसा कह रहा है कि कह रहा है हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो काक्रोच की हनी भी कौन है, हाउस फ्लाई है, कौन है, घरेलू मक्खी इसका सही उत्तर है, ठीक है, घरेलू मक्खी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है, अंबर कौन कहलाता है, ये क्वेश्चन मैं बताया हूं आप लोगों, कह रहा है AUG, UAA, UAG और UGA, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अंबर कौन कहलाता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है UAG, ठीक है, क्या है, UAG इसका सही उत्तर है, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, 51 नंबर का सी इसका सही उत्तर है। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर में देखिए जरा, 52 नंबर का क्वेश्चन अब यहां बता रहा है 52 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है, कौन सा वो प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है इसका ओजोन इन ट्रोपोस्फियर, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर नहीं, प्राथमिक प्रदूषक है इसका बी, कार्बन गंधक तथा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि यहां पर ईस फगोल किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त होता है ईस फगोल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्लांटेगो वाटा इज द राइट आंसर, इसका बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, इसका बी सही उत्तर है। अगला देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर मार्केंसिया में गोपक मतलब कैलिप्ट्रा विकसित होता है, किससे विकसित होता है मार्केंसिया में कैलिप्ट्रा, तो यह विकसित होता है बेस ऑफ आर्चिगोनियम से, ठीक है, किससे, बेस ऑफ आर्चिगोनियम से विकसित होता है। अगला क्या कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर की अगर बात करें तो देखिए
55 नंबर क्वेश्चन में यहां पर अब यहां कह रहा है कि विलय विभव, ठीक है, सदैव कैसा होता है विलय विभव। देखिए अगर यहां पूछता जल विभव तो जल विभव यानी जल विभव तो हमेशा धनात्मक होता है। जल क्या है, ये विलायक है, क्या है विलायक है, सॉरी समझाना नहीं है यहां, केवल उत्तर इसका बताना है। जल विभव तो सदैव पॉजिटिव होता है लेकिन विलय कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसका ए इसका सही उत्तर है नकारात्मक, ठीक है, 55 का ए इसका सही उत्तर है 55 नंबर का। अगला 56 देखिए, 56 में क्या कर रहा है, रस्ट कास्ट को, रस्ट कास्ट को किस नाम से जानते हैं, सैपवुड इज आल्सो नोन एज, सैपवुड को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्बर्नम। क्या कहते हैं मेरे भाई, एल्बर्नम इसका दूसरा नाम है। सी इसका सही उत्तर है 56 नंबर का, ठीक है। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर में अगर चले तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहां पर कि आर्किल नामक नीले रंग का रंजक किससे प्राप्त होता है, आर्किल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये लाइकेन है, लाइकेन एक प्रकार का ईसाई सभी प्रजातियां लाइकेन है, इवर्निया क्लेडोनिया क्रामालिना तो सिट्रेरिया आइसलैंडिका, इसका राइट आंसर है ए 100% श्योर, ठीक है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। अगला 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 नंबर का क्वेश्चन इसको देखिए, 58 नंबर कह रहा है मटर में दल का पुष्प दल विन्यास होता है, कैसा होता है मटर में पुष्प दल विन्यास, कह रहा है वॉल्वेट होता है कि वेक्सिल होता है, ट्विस्टेड की नन होता है, इसका राइट आंसर है वेक्सिलरी, कैसा होता है वेक्सिलरी, इसका बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर में 59 की अगर बात करें तो देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर है CO2, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस गैस। 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 में क्या कह रहा है, देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन यहां आपके सामने है, कह रहा है कि नियोपिलाइना जोड़ने वाली कड़ी है, भाई मैंने आपको बताया था पा और नाम, पा और नाम, ठीक है, पा का मतलब पेरिपेटस किसका, एनिलिडा आर्थोपोडा, और एन का मतलब नियोपिलाइना एनिलिडा मोलस्का, ठीक है, एनिलिडा मोलस्का कहां है, एनिलिडा मोलस्का, इसका ए इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है ए, ठीक है, तो किसके नियोपिलाइना किसके किसके बीच की कड़ी है, एनिलिडा और मोलस्का। अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर में क्या कह रहा है, क्या रहा है यहां पर, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है, क्या होता है रो तत्व इसमें से, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, 61 नंबर का आंसर क्या है डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 नंबर को देखिए और इसको फटाक से समझिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 62 नंबर का, कह रहा है कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कह रहा है कि कुछ तापमान यहां कह रहा है सम लगाया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सम नहीं कहा होता तो उत्तर दूसरा होता, यहां सम कह रहा है तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इसका राइट आंसर होगा क्या डी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा डी, ठीक है, पृथुतापी अर्थात यूरी थर्मल, ठीक है, अगर ये कुछ न लगाता तब क्या होता ए होता, समझ रहे हैं, यहां कुछ ध्यान रखिएगा। 63 नंबर क्या कह रहा है, 63 नंबर का क्वेश्चन इसको ध्यान दीजिए, 63 नंबर का कह रहा है 63 नंबर में यहां पर कि जीव द्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो सिस्टरियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन दोनों को जो जोड़ता है, समझ रहे हैं, तो उसे कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है, तो 63 का बी इसका सही उत्तर है। अगला 64 नंबर क्या कह रहा है, 64 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के समस्त सजीव व निर्जीव घटकों के एकीकरण से क्या बना तंत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण में सजीव और निर्जीव का पूरा तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, इसका राइट आंसर है इकोसिस्टम। अगला 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 में अगर हम बात करें 65 नंबर का, तो देखिए 65 नंबर अब यहां कह रहा है 65 नंबर में कि निम्न में से फैसियोला के किस डिंबक अवस्था से कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसको ध्यान दीजिए, कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए कंफ्यूजियस में अभी यहां पर हमारे हिसाब से सर्केरिया होना चाहिए, ठीक है, और यहां स्पोरोसिस्ट भी आ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या है 66 नंबर का क्वेश्चन, 66 नंबर क्या रहा है, 60 निम्न में से कौन सा कीट सैलाक उत्पन्न करता है, सैलाक, ठीक है, लाख न करके के जोड़ दिया सैलाक, मतलब ऐसे कह रहा है, एपिस इंडिका नहीं, बॉम्बेक्स मुराई नहीं, लैसीफर लक्का, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है लैसीफर लक्का, ठीक है, यह उत्पन्न करता है क्या, सैलाक उत्पन्न करता है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर में क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, 67 नंबर कह रहा है क्या निम्न में से किस जंतु में व्हील आर्गन उपस्थित होता है, व्हील आर्गन किस में होता है, किस जंतु में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर
आंसर है एम्फीऑक्सस, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाया हूं इसको एम्फीऑक्सस, ठीक है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, 68 नंबर में कह रहा है कि निभागी युग्मक अर्थात चिलैजोगैमी निषेचन किसमें होता है, चिलैजोगैमी किसमें होता है, ठीक है, चिलैजल से चल करके, जिसका राइट आंसर है कैजुराइना, क्या है कैजुराइना इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है, 68 का सी नंबर। अगर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है इसको ध्यान रखिए, 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहां पर कि मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कुनैन जो प्राप्त होता है, कुनैन ठीक है किससे प्राप्त होता है, तो बार का सिंकोना, सिंकोना की छाल से, सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान दे लिया जाए, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, तो 70 देख लीजिए अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रावण करती हैं, इसमें से देखिए क्या होगा, ये बिल्कुल नॉट क्लियर, क्या नॉट क्लियर मेरे दोस्त, नॉट क्लियर, ये उत्तर आने तक बिल्कुल इंतजार करिए ऑफिशियल आंसर आने तक, ठीक है, क्योंकि यहां पर सोमैटोस्टैटिन तो होना चाहिए, समझ रहे हैं कि डी सेल्स के द्वारा क्या होता है सोमैटोस्टैटिन, लेकिन पहले वो दिया नहीं है, अच्छा ये जगह केवल दिया है पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, और जगह सोमैटोस्टैटिक पहले नहीं दिया है, तो देखिए इसका आंसर का इंतजार करिए उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है, स्पंज में किसके कारण पुनर्जनन की क्षमता होती है, कौन सी कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर है आर्कियोसाइट, अगले ही दिन मैंने इसको पढ़ाया था अपने प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, ठीक है, आर्कियोसाइट के कारण। 71 नंबर का सी इसका सही उत्तर है, 71 नंबर का, ठीक है। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए, 72 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई, 72 नंबर कह रहा है कि निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूकुलेरेलिया शैवाल सहजीवी है, जूकुलेरेलिया शैवाल किस पैरामीशियम की प्रजाति में सहजीवी है, कह रहा है पैरामीशियम कॉर्डेटम ऑरेलिया माइक्रो मल्टीन्यूक्लियेटम की बर्सेरिया, इसका राइट आंसर है बर्सेरिया में, ठीक है, पैरामीशियम बर्सेरिया। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 नंबर में देखिए कह रहा है यहां पर, यहां कह रहा है कि परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया, मतलब टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया, तो ये दिया था आर ब्राउन, किसने दिया था आर ब्राउन ने, 20 का सही उत्तर है, क्या है 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें 74 नंबर का, तो कह रहा है कि युगलिना का हरित लवक किसका बना होता है, युगलिना का हरित लवक किसका बना होता है, कह रहा है क्लोरोफिल ए बी, ए बी, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर सी अर्थात ए और बी का, ठीक है, ए और बी का आपके हिसाब से क्या है उसको भी देखिए। कह रहा है 75 नंबर में कि समजातता को निर्देशित करती है, क्या निर्देशित करती है, कह रहा है कि कॉमन एंसेस्ट्री की डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बोथ नन ऑफ दीज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, हमारे हिसाब से कॉमन एंसेस्ट्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉमन एंसेस्ट्री होना चाहिए, एक बार इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं भाई कैसे चेक करेंगे, उत्तर तो आने दीजिए, ठीक है। चयन बोर्ड बड़ा भी भयानक है यहाँ का उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की भी धज्जियां उड़ा देता है। कह रहा है कि अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता है, समझ रहे हैं, कह रहा है गुणसूत्रों का संघनन, समझातों का युग्मन, कियाज्मा निर्माण, विसंयोजन, तो इसका राइट आंसर है डी, सेग्रीगेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है सेग्रीगेशन, डी इसका सही उत्तर है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युग्मक धानी संयुग्मन समानता पाया जाता है, गमिटेंजियल कॉपुलेशन किसमें पाया जाता है, ऐसा कह रहा है गमिटेंजियल कॉपुलेशन किसमें पाया जाता है, ऐसा ये कह रहा है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है, इसका राइट आंसर है जाइगोमाइसिटीज, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है, क्या गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 नंबर में यहां क्या कह रहा है, कह रहा है साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉयड है, कौन सा इसमें से हैप्लॉयड है, ठीक है, ऐसा कह रहा है, तो हैप्लॉयड तो भ्रूणपोष इंडोस्पर्म होना चाहिए, क्योंकि जो है एंजियोस्पर्म में 3n होता है, इसमें कितना होता है n होता है, तो यहां पर ये होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए इंडोस्पर्म, ठीक है, आपको कहीं कहीं आपको ये भी मिल रहा है तो इसका, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर इंडोस्पर्म ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
है। कह रहा है कि कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर यह क्वेश्चन। अगला 80 नंबर कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कह रहा है RuBP कार्बोक्सिलेज, क्या पाया जाता है, RuBP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, 81 नंबर का क्वेश्चन, 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्टिनो स्टील किसमें पाई जाती है, एक्टिनो स्टील लाइकोपोडियम, कह रहा है कि एनोटियम की, लाइकोपोडियम सरनम की, लाइकोपोडियम सिरेटम की, बिलुबिली की, इसमें होता है लाइकोपोडियम सिरेटम में होता है, किसमें होता है, लाइकोपोडियम सिरेटम में, 81 नंबर का सी सही उत्तर है। अगला 82 में देखिए, कह रहा है कि द्वि निषेचन की परिघटना सर्वप्रथम किसने देखा था, तो एस जी नवाजचिन ने देखा था, किसने देखा था, एस जी नवाजचिन ने। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, 83 अब यहां पर कह रहा है कि स्कोरियोडॉन में लॉरेंजिनी की एम्पुली का क्या कार्य होता है, स्कोरियोडॉन में लॉरेंजिनी की एम्पुली का क्या काम होता है, ऐसा कह रहा है, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है थर्मोरिसेप्टर, क्या होता है, थर्मोरिसेप्टर ताप सुग्राही। ठीक है, 83 का 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, 83 के बाद क्या आ रहा है, 84 नंबर। अब कह रहा है यहाँ के तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बिल्कुल संवेदी कोष अनुपस्थित, बिल्कुल उपस्थित होते हैं, तो यहाँ कह रहा है सत्य नहीं है, समझ रहे हैं, तो यह सत्य नहीं है, इसमें संवेदी कोष क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, 84 पुल सेट बेस्किल अपसेंट, ठीक है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 नंबर में इसकी तरफ बढ़ते हैं, 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि रक्त में विद्युत तटस्थता बनाए रखती है, किसके द्वारा बनाए रखता है, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हाइमरबर्गर फिनोमेना। ठीक है, ए, क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट की जो प्रक्रिया होती है यही होती है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग भी थोड़ा सा चेक करिएगा। कह रहा है 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 नंबर में देखिए, 86 नंबर यहाँ पर कह रहा कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये किसने की थी, इजी बेलबियानी, बिल्कुल लेक्चर में हो चुका है इजी बेलबियानी। अगला कह रहा है 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 पर अगर हम बात करें, 87 नंबर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, बताइए घिसा पीटा क्वेश्चन, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, मोनोसेक्राइड बिल्कुल फ्रक्टोज है, C6H12O6 मोनोसेक्राइड है, और यही सेलुलोज का भी, सेलुलोज कह रहा है पॉलीसेक्राइड है, जी बिल्कुल पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज, ठीक है, यह भी पॉलीसेक्राइड है। अब यहाँ कह रहा है कि डाइसेक्राइड गैलेक्टोज, ठीक है, नहीं, डाइसेक्राइड जो गैलेक्टोज होता है ये मोनोसेक्राइड होता है, इसका भी फार्मूला यही होता है गैलेक्टोज का भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, 88 नंबर का सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का क्या कह रहा है, 89 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन यहां कह रहा है कि निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है, तो किसके द्वारा नहीं बनाई जाती है, वो होता है इसका राइट आंसर, देखिए ये सब दलहनी है, कैजरस कैजना अरहर है, साइसर एटिनम चना है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन है, तो ये सब दलहनी है, तो ये नहीं, इसका राइट आंसर कैजुराइना ग्लाउका, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर में उसकी अगर बात करें, 90 नंबर में तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है, नॉट क्लियर, भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है, ओरिएंटल, ओरिएंटल क्या है, नहीं, नहीं क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर का देखिए, 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नर्म अक्षर के मुखांग में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, नर्म अक्षर में क्या नहीं होता है, मच्छराइन में होता है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए, मैग्जिली एंड मैंडिबल्स। ठीक है, मैग्जिली एंड मैंडिबल्स, ये किसमें नहीं होता है, नर में नहीं होता है, क्योंकि फूल उनको चूसता है नर, ये मानव का रक्त नहीं चूसता है। ठीक है, 91 नंबर का ए हो गया। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर में अगर देखें बात करें हम 92 नंबर का क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कसाभिक संख्या एक एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी होता है, जो विब्रियो कॉलेरी होता है इसकी संरचना आप देखेंगे तो एक होता है एक सिरे पर, तो जब एक सिरे पर एक ही केवल फ्लैजेला हो तो इसे कहते हैं मोनोट्राइकस, इसका राइट आंसर क्या है, बी, सॉरी इसका राइट आंसर सी, मोनोट्राइकस इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 93
देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है कि पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर है विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, ठीक है। 94 नंबर में कह रहा है कि नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये पाई जाती है रिक्सिया में। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रिक्सिया, क्योंकि रिक्सिया का जो थैलस होता है बहुत सरल होता है और इसमें और कुछ फालतू चीजें नहीं होती। इसमें नर्स सेल होती हैं जो स्पोर को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां 95 कह रहा है, 95 नंबर कह रहा है सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। किसके द्वारा सिट्रस कैंकर होता है? जेंथोमोनास सिट्री, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो एम्ब्रियोफाइटा मतलब जिसके द्वारा, जहां से भ्रूण का बनना शुरू हो, तो भ्रूण का बनना कहां से शुरू हुआ? ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 97 नंबर की अगर हम बात करें तो 97 नंबर देखिए यहां कह रहा है 97 में ओबिलिया में सिनोसार्क कैसा होता है? ओबिलिया में, तो ओबिलिया में जो सिनोसार्क होता है, सिनोसार्क क्या है? ये जो ऐसी संरचना आप देखते हैं बनाई गई थी, तो बिल्कुल ये होती ट्यूबुलर और लिविंग होती है। कैसी होती है? ट्यूबुलर और लिविंग होती है। इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 97 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 98 नंबर का कह रहा है एक आदर्श परीक्षार्थी संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का, ये फलाना ढिमका से फिनोटाइप वाले पौधे संकरण किया जाता है, तो अप्रभावी प्रभावी दोनों में से इनमें से, तो ये ऐसा कह रहा है 98 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हमारे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ए, लेकिन स्पेस स्टार ए। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या? ए। आने दीजिए आंसर की, लेकिन यहां पर पूरे 99% के जो क्वेश्चन है वही क्लियर हम करा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 100% वाले। देखिए यहां पर कह रहा है अस्थि एवं उपास की बिजोड़ लक्षण क्या होती है? क्या होती है? बिजोड़ लक्षण, ठीक है, अस्थि की उपस्थिति में, अस्थि की उपस्थिति में बिजोड़, मतलब हड्डी कहां शुरू होती है? होती कशेरुकी वर्टिब्रेटा, ठीक है, कहां से? वर्टिब्रेटा से, ठीक है, यहां से होती है का हड्डी, ठीक है, लक्षण है। अगला क्वेश्चन है नेरिस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रिडिया से बाहर करता है? तो अमोनिया के रूप में। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में बाहर करता है नेरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का क्या कह रहा है, 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है कि इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है इथाइलिन, क्या है? इथाइलिन, ठीक है, C2H4 एथिलीन कहिए आप इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें 102 नंबर का क्वेश्चन, तो कह रहा है बॉटराइट, सॉरी रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? रोजवुड, रोजवुड किसे कहते हैं? ये होता है, देखिए रोजवुड क्यों कहते हैं कि इसकी लकड़ी, यहाँ रोज मतलब गुलाब, गुलाब का नहीं है संबंध, यहाँ समझ रहे हैं रोड डालबर्गिया लैटीफोलिया होना चाहिए, डालबर्गिया शिशु शीशम की जो लकड़ी है उस बिल्कुल रेड होती है, समझ रहे हैं, इस कारण इसको रोजवुड कहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा लाइकेन है? कौन लाइकेन है? कह रहा है टर्फ मॉस, बॉग मॉस, पीट मॉस, ही तो है ये नहीं है, समझ रहे हैं, टर्फ मॉस, बॉग मॉस, ये इसे आइसलैंड मॉस, कौन सा? आइसलैंड मॉस इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर अब यहां कह रहा है कि यहां पर एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीय विधि होती है, तो किसमें एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ड्रेसिना, क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है ड्रेसिना, ठीक है, ड्रेसिना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता है, कहां नहीं बनाता है घोंसला? इस जगहों तो बनाता है, पत्थर की दरार में बनाता है, किला में भी बनाता है, घर में भी बनाता है, पेड़ पर नहीं बनाता। हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर है ट्रीज, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइजर्स के उत्पादित नहीं होता है? सबसे तगड़ा उत्पादित होता है सिट्रिक एसिड, लेकिन और कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नॉट क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या है, अगला प्रश्न 107 नंबर का कह रहा है कि गिरलर्ड लीफ ट्रेसेस, गर्डिल, गर्डिल लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हिंदी भी ऐसा लिख देता है, समझ रहे हैं, तो किसमें होता है गर्डिल लीफ ट्रेस? ये होता है इसका आंसर साइकस, किसमें होता है मेरे भाई? ये होता है साइकस में, ठीक है, 107 का ए इसका सही उत्तर है। अगला 108 नंबर का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक लघु बीजाणुधानी में टैप्टम समानता है कितने स्तर की बनी होती है? तो कितने स्तर की बनी होती है? एक ही स्तर की बनी होती है, हालांकि इसमें दो प्रकार होते हैं लेकिन स्तर कितना होता है? एक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन, 109 नंबर का कह रहा है कि लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागत के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? गोट, बकरी नहीं, जिराफ, हाँ बिल्कुल, किसको लिया था? जिराफ, क्योंकि गर्दन वर्दन वही लंबी, अगला पैर उठाता है तो लंबा होता है ऐसा सब।
अगला क्वेश्चन 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए फटाफट, सॉरी 110 नंबर कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं, किसके द्वारा गतिमान किए जाते हैं, ठीक है, नो नॉट क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर की अगर हम बात करें, अगला 111 नंबर का क्वेश्चन तो देखिए कह रहा है कि यूरोमास्टिस का सामान्य नाम क्या है, इस यूरोमास्टिस का सामान्य नाम क्या है, इसका नाम है स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है, विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि कोशिका जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणन होने वाला अकोशिकीय जीव है, जी बिल्कुल ये भी सही है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, नहीं मृतोपजीवी नहीं होते हैं। कह रहा है प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, जी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है। यहां अगला क्वेश्चन ये इनकरेक्ट कह रहा है ना, तो यही इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ये 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर कि एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन कौन है, इंडोल एस्टिक एसिड कह रहा है आई ए ए कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड आई बी ए कि यहां कह रहा है एन ए ए, तो क्या है इसमें से, एन ए ए है, सी इसका राइट आंसर है, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चतुर कसाभिकी चल बीजाणु जू स्पोर अवस्था पाई जाती, किसमें पाई जाती है, क्वाड्री फ्लैजलेट कंडीशन, देखिए इसमें बाई और अथवा क्वाड्री होती है, किसमें होती है, कह रहा है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा वॉलवॉक्स नास्टॉक, इसका राइट आंसर है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, यूलोथ्रिक्स, 114 का ए है, ठीक है, क्या है, 114 का ए। अगला क्वेश्चन 115 नंबर का क्या कह रहा है उसको भी देखिए, 115 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 115 नंबर में कि पाइनस का बीजांडी सल का हिस्सा है, ओलिफेरस स्केल ऑफ पाइनसिस किसका भाग है, तो ये भाग है मेगा स्पोरोफिल का, किसका है, मेगा स्पोरोफिल का है, ठीक है, ओलिफेरस स्केल 15 का ए नंबर, 115 का। अगला 116 नंबर का क्या कह रहा है इसको देखिए, 116 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है 116 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, किसे कहते हैं स्तनधारियों का युग, 116 नंबर क्वेश्चन पर आप पहुंचे हैं, तो स्तनधारियों का जो युग है वो है सीनोजोइक ईरा, क्या है मेरे भाई, वो है सीनोजोइक ईरा, स्तनधारियों का युग कहलाता है, किसका युग होता है, स्तनधारियों का युग होता है, ठीक है। अगला देखिए 117 नंबर क्या कह रहा है, किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फियाक्सिस गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है, निष्क्रिय 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 नहीं, नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है 118 नंबर का, 118 नंबर में कह रहा है किसमें अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते, किसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा एगैरिकस, ठीक है, क्या होगा, एगैरिकस होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, एगैरिकस, 118 नंबर का ए, ठीक है। और इसमें देखिए कह रहा है कि संरचना के अनुसार एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितने पृथक रूपों में मिलता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कितने रूप होते हैं, तो तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन, आप जानते हैं मैग्ना माइन्यूटा और सिस्टिक फॉर्म, ठीक है, मैग्ना माइन्यूटा और सिस्टिक फॉर्म होते हैं, तीन रूप होते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण है, कौन है प्रमस्तिष्क, सेरिब्लर मलेरिया का कारण कौन है, तो ये है पीएफ, बहुत घातक होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सी पेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सी पेरम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखिए, 121 नंबर का कह रहा है कि रूपात्मक द्विरूपता मतलब मॉर्फोलॉजिकल द्विरूपता के थैलस किस थैलस में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, नॉट क्लियर मेरे भाई, ठीक है, लैंगिक ये द्विरूपता। और यहां कह रहा है लाइकेन में लैंगिक जनन का सामान्य लैंगिक जनन का संपादक होता है, ठीक है, लाइकेन में कौन होता है, दो घटक होते हैं, कि एल्गी होता है, कवक होता है, तो एल्गी वाला नहीं भाग करता है, वो तो फोटोसिंथेसिस करके भोजन वोजन बनाता है, कवक वाला भाग लेता है, तो केवल किसका, केवल कवक का द्वारा, किसके द्वारा, केवल कवक द्वारा होता है, फंजाई ओनली, ठीक है, 122 का कौन सा ए इसका सही उत्तर है। अगला 123 नंबर क्या कह रहा है, 123 नंबर का क्वेश्चन उसको देखिए, 123 नंबर का देखिए कह रहा है यहां पर कि उल्टा वलकुटी संवहन बंडल मिलता है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, इन्वर्टर, तो ये किसमें पाया जाता है, निकटेंथस में, किसमें होता है मेरे भाई, ये होता है निकटेंथस में, 123 का बी सही उत्तर है। और 124 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कुल में किसमें बाह्य दलपुंज पप्पस में परिवर्तित हो जाता है, पप्पस में कौन बाह्य दलपुंज परिवर्तित हो जाता है, ये होता है स्टेरेसी अथवा कंपोजिटी में, किसमें, कंपोजिटी जिसमें सूरजमुखी उखी है, समझ रहे हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 नंबर इसको देखिए, 125 नंबर का क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लिएंडर मॉस के नाम से जाना जाता है, लाइकेन
हमारे से तो बहुत पूछ लिया गया। रिंडर मास किसे कहते, कह रहा है लोबेरिया पल्मोनेरिया, रेमेलिना फ्रैक्सिनिया, क्लेडोनिया रेंगिफेरिना। इसका सी इसका सही उत्तर है, क्लेडोनिया रेंगिफेरिना। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां तक आज फटाफट के अंदाज में बिल्कुल हमने आंसर की आपको बताया, और संभवतः ये संभावित आंसर की है। ठीक है कि अब आप भी मिला लीजिए कि आपका इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं टीजीटी में। ठीक है तो अभी 7 तारीख को फिर से है, आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों की बहुत ढेर सारे लोगों की परीक्षा है, सभी लोगों की है। ठीक है 7 तारीख को, तो उसमें भी देख लीजिएगा आज पैटर्न आपको मालूम हुआ, इस स्तर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अगली परीक्षा के लिए भी। ठीक है तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके जय हिंद।